मकर राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, जुलाई के महीने में आपका जान ले लेगी इस नाम की स्त्री। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और यह गद्दार आपकी अपनों में ही है जो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहती है। दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इतना भाग्यशाली है कि हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। बस हम आप सभी से इतना निवेदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन कर दें कि वीडियो को आज ध्यान से देखिएगा। हम इस औरत की पूरी पोल खोल कर देंगे और आपको इंसिक्यूशन बचाना है, कौन से उपाय करना है सभी बात एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आपसे इतना हमारा निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। आपकी एक छोटी सी गलती पूरा जीवन का सजा बन जाएगा और हमें इस बात का दुख होगा कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते आ रहे हैं और हम आपके जीवन को सुधारने में असफल रह गए। लेकिन दोस्तों यह है दूर की बात जो होगा ही नहीं, यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो औरत है आपके पीछे पिछले कई साल से हाथ धोकर पड़ी है, यह आपको खुश नहीं देखना चाहती है। यह चाहती है कब आप बर्बाद तबाह हो जाएं और यह आपकी जगह पर राज करें। यह आपके साथ साथ आपके जितने भी दोस्त हैं उनके भी ऊपर बहुत ज्यादा जलते हैं और जल जल्दी आपके ऊपर कई बार इन्होंने तांत्रिक क्रिया भी करवाई है। ये मसानी क्रिया आपके ऊपर हर महीने करवाती है, लेकिन आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति है जिनका छत्र छाया आपके होने से यह आपका बाल भी बांका का नहीं कर पाती है। लेकिन दोस्तों समय के साथ इन्होंने अपने शक्ति को और भी ताकतवर कर लिया है। इन्होंने आपको मरवाने के लिए किसी छोटे इंसान की बलि दी है, तब जाकर इनका शक्ति कई गुना बदल चुका है और यह तांत्रिक भी बन चुकी है। यह महिला आपके अपनों में होकर आपसे बहुत मीठा मीठा बोलता है और सामने आकर आपको इतना अच्छा बोलती है आपको पता नहीं चलता, लेकिन पीठ पीछे इन्होंने आपको बर्बाद करने की कस्में खाई हुई है। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। इस औरत का नाम क्या है हम आपको बताएंगे और इसे आपको कैसे बचाना है, कैसे मुक्ति पाना है, क्या उपाय है और उसे उपाय की क्या विधि है, सभी बात एक एक करके विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा भी आप गलत ही ना करें और सभी बातों को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो दोस्तों हम आप सुबह से इतना कहना चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपके जीवन में एक छोटी सी भी तकलीफ आ जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम उनका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं और बहुत अच्छा दिन करने के बाद हम समाधान लेकर आपके समक्ष चाहते हैं और इस सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़ जाए, इतना हम आपसे विषय निवेदन करते तो आप हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा, हम इतना उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ वीडियो को भी एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। सर्वप्रथम माता रानी के जितने भी भक्त हैं कमेंट बॉक्स में जय माता दी 5 बार लिख दीजिएगा। माता भवानी माता जगदम्बा का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आई दोस्तों इसी के साथ हम आप सभी को पहले बता देते हैं कि यह औरत कौन है, इन्होंने आपको कैसे बर्बाद किया है। दोस्तों आप सभी को बताते किया, औरत कोई गैर नहीं है या आपके अपनों में ही है, कुल मिलाकर 5 लोग आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन एक औरत जो आपके घर के बगल की है, इन्होंने आपको जान से मारने की कसम तक खा ली है। इन्होंने आपके द्वार पर जाकर मसानी क्रिया का सिंदूर और चावल भी छिड़ा हुआ है, जिनके कारण आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आपको कामों में असफलता मिलती है, खुश नहीं रहता है, सोते हैं कि हमारा काम बन जाएगा, लेकिन दोस्तों जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका काम नहीं बन पाता है। समय के साथ असफलता और संकट ही आपका हाथ लग रहा है। आप सभी को बता दें कि 2 बाहर के रिश्तेदार हैं जो इस स्त्री के अपने में हैं, यह इसे मदद ले रही है और पूछ रही है कि कैसे इनको खत्म किया जाए। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना कि बाहर से तो लोग लड़ लेता है, लेकिन जब अपनों में ही कोई गद्दार निकल जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। दोस्तों ऐसा आप महसूस करने वाले, लेकिन आपको घबराने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्त्री आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी।
हम आपको ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने वाले, जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। बस आपके घर से बाहर जाते समय एक चीज को अपने जेब में रख लेना है। जी हां दोस्तों, यह चीज इतना शक्तिशाली है कि आप पूरे जुलाई के महीने को सवार कर रख देगी। जी हां दोस्तों, यह पूरे जुलाई का महीना आप सभी के लिए अमृत से काम नहीं है। दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, बहुत बड़े बड़े धनी योग हैं, और इनका यदि आप लाभ नहीं उठा पाएंगे इस औरत के चक्कर में तो फिर मौका हाथ से चला जाएगा। इसलिए इस औरत का तांत्रिक क्रिया का काट बस एक चीज में है, इसलिए उसे आप ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस औरत की नाम को जानना चाहते हैं तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि हमारा मन करता है कि हम आपको इसका पूरा नाम बता दें, लेकिन दोस्तों ये हमारे ज्योतिषी आकलन का स्वभाव नहीं है। अगर हमेशा कर देंगे तो हमारे अंदर की विद्या धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों हम आपको संकेत देते हैं, बस आप अपने मनोविज्ञान का मां की शक्ति को उपयोग करके उसे पता कर लीजिएगा। इस औरत के नाम का पहला अक्षर है SRTLMK। इनमें से एक नाम की स्त्री आपके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन है। बस आप अपने अंदर ध्यान से झांकिए, आपको अपने आप पता चल ही जाएगा। यदि आपको पता चल गया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हां गुरुजी, मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। हमें भी बहुत खुशी होगी कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। हम जिया चाहते थे उसका नाम आप जान गए, और इससे आप हमेशा बचकर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यह तो हुआ नाम, लेकिन हमने जो आपको पहले भी कहा है कि कैसे आप इसे भर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, ऐसा कौन सा चीज है जिसे अपनी जेब में आप लेकर जाएंगे तो आपका बाहर का सभी काम बन जाएगा। दोस्तों आगे हमें नहीं के ऊपर विस्तार से बताएंगे, और दोस्तों यह एक चीज आपको इस औरत से ही छुटकारा नहीं दिलाएगा, बल्कि इस जुलाई के महीने में आपको करोड़पति बनकर रख देगी। जी हां दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली महीना है। दोस्तों जैसे कि हमने इसके ऊपर एक दो पहले भी ज्योतिष कार्यक्रम आपको दिए हैं, इसी के संदर्भ में आपको एक चीज है जिसे अपने जेब में रखना है, और यह चीज उनसे थोड़ा अलग है जो हमने पहले ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताए हैं। इस चीज को अपने जेब में रखने से आपको इस औरत से छुटकारा मिलेगी, साथ ही आपके भाग्य और भी प्रबल होगी, और यह जो लड़की स्रोत आएंगे और आपकी सोने की क्षमता बढ़ेगी, घर परिवार का माहौल अच्छा होगा, धन की जो भी तंगी है वह खत्म हो जाएगी, और जो भी पारिवारिक माहौल में छोटे छोटे लोग जाते हैं सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं, तो एक बार पुनः आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, और यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको वही देगा जो अब तक आपको नहीं मिला है, जिसके लिए आप अब तक तड़प रही हैं। यह मित्रों जुलाई के इस महीने में जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में डाल करने के लिए यह एक छोटी सी चीज, जी हां प्यारे बंधुओं, इस एक छोटी सी चीज में इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा है कि जब इसे आप अपनी जेब में डालकर निकलेंगे तो जो कुछ भी आप करेंगे, जिससे भी आप बात करेंगे, वह आपके आगे झुक जाएगा। दुनिया की हर खुशी आपकी कदमों में आगरे की, आप खुद भी हैरान होंगे कि आखिर आपके साथ यह हो क्या रहा है। आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही आपकी किस्मत बदलती चली जाएगी, और वह भी महीनों में नहीं, दिनों में, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिनके बारे में आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आपके जीवन के हर एक कष्ट ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। जी हां मित्रों, इस छोटी सी चीज के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि जो भी इसे अपनी जेब में रखकर निकलता है, या यूं कहें कि अपने साथ रखकर निकलता है, उसके आसपास ऊर्जा का एक विशेष वातावरण तैयार हो जाता है, या यूं कहें कि उसका रक्षा कवच तैयार हो जाता है, और यह रक्षा कवच उसके हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी तो फिर भगवान के दिव्य सकारात्मक ऊर्जा, या यूं कहें कि भगवान का प्रेम और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा, और फिर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपके लिए ही बना है, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है, यानी कि दुनिया का हर हो सुख धन दौलत, सच्चा फ्री भी समाज में मान सम्मान, और परिवार का हर प्रकार का सुख, जो कुछ भी अब तक आपने चाहा था,
लेकिन अब तक आपको वह मिल नहीं पाया था। अब इस जुलाई के महीने में वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य के जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो केवल इस वजह से है कि उसने सही समय पर सही निर्णय लेते हुए सही प्रयास नहीं किया। मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत लगातार अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए प्रयास करता रहे। उसे हार नहीं माननी है, किसी की बातों में नहीं आना है। उसे केवल अपने मन की, अपने हृदय की सुननी है, क्योंकि वहीं पर तो मैं वास करता हूं। और जब इंसान लगातार प्रयास करता रहता है, उन्हीं प्रयासों के बीच किसी न किसी दिन अचानक से वह दरवाजा खुल जाता है, जहां से उसके जीवन में सुख समृद्धि और कामयाबी प्रवेश कर जाती है। याद रखना, पार्थिव कामयाबी बिना प्रयासों की अचानक हासिल हो जाती है। वह कब अचानक से गायब ही हो जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई कामयाबी होती है, वही जीवन पर्यंत कायम रहती है। साथ ही साथ मनुष्य को ऐसा अद्भुत ज्ञान देकर जाती है जो चरणों चरणों तक उसके साथ रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पल प्रतिपल पर प्रयास करता रहे, हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ता रहे। तो प्रिय बंधुओं को, आपके जीवन को सुंदर, सरल और खुशियों से भरने के लिए यह एक और बड़ा प्रयास है जो आपको करना ही होगा, तभी आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। प्रिय बंधुओं, हम तो यह मानते हैं कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गुरु और शिक्षक कोई भी नहीं है जो उन्होंने सिखाया है। वह अब तक ना कोई सिखा पाया है और ना ही किसी भी मानव को कोई कभी सिखा पाएगा। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है और उनके विचारों से आप सहमत हैं, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और भाव से जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य। मैं तो, हमारी सांसों में, पुराणों में कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी गुप्त विद्या आई हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है, क्योंकि जानने के लिए वेदों का, पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, और जब अध्ययन ही नहीं करेंगे, इधर उधर से थोड़ी बहुत बातें उठाकर ही काम चल जाता है, तो कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा। लेकिन प्रिय बंधु, हम आपको बता दें कि जो चीजें वीर पुराणों की गहराइयों से निकाली जाती हैं, उन चीजों की शक्ति बहुत अधिक होती है। इस चीज की बात तो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह इतनी शक्तिशाली है, यह प्राचीन काल से ही हमारे हिंदू धर्म में शामिल है। और जब लोग जीवन के किसी विशेष पर एक कार्य के लिए जाते थे, जैसे कि राजा महाराजा युद्ध पर जाते थे, इसी बड़े समझौते के लिए जाते थे, या फिर जंगल में शिकार ही खेलने क्यों ना जाती हूं, तब इसी चीज को हमेशा अपने साथ लेकर जाते थे। और इतिहास गवाह है कि जिस इंसान ने इस ईटे चीज को अपनी जेब में रखा है, यानी अपने साथ रखा है, उस इंसान को हार का मुंह कभी देखना ही नहीं पड़ा है। क्योंकि इसका कारण बिल्कुल सीधा सा है कि जब आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा होगी, तभी आपको हार, आशा और निराशा प्राप्त होगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ओं का भोजन है, आपकी दुख, तकलीफ और आंसुओं से ही प्राप्त होता है। आप जितनी दुखी होंगे, उतना ही नकारात्मक ऊर्जा ए बलिष्ठ होंगी, बलवान होंगी। लेकिन इसका उल्टा होता है। सकारात्मक ऊर्जा ओं के साथ जब जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, तो फिर सकारात्मक ऊर्जा होगी। स्थान प्रकृति कभी खाली नहीं छोड़ती है। यदि कोई जमीन का टुकड़ा खाली रह जाता है, तो वहां पर प्रकृति घास ही होगा देती है। इसी प्रकार यदि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, स्थान खाली नहीं होगा, वहां अपनी, यहां पर भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। और जब एक बार सकारात्मक ऊर्जा जीवन में आ गई, तो फिर आपकी मेहनत और ओशो का पूरा फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जी हां प्रिय बंधुओं, अबे मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर यह कौन सी चीज है और इसके बारे में अब तक आपको क्यों नहीं पता। तू प्रिय बंधुओं, आप चिंता ना करें, हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रयोग के क्या नियम हैं, क्या विधि विधान और संस्कार हैं, सारी बातें आपको हम विस्तार से समझाएंगे। पुष्करणा, आपको इतना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। जब आप वीडियो पूरा देखें कि अंत तक देखेंगे, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। यदि आप वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे, या फिर जल्दी जल्दी वीडियो को बीच बीच में छोड़ छोड़ कर स्केप करके देखेंगे, तो आप जरूरी बातों को मिस कर जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं, आपके लिए महान ज्ञान और जीवन को बदल देने वाले अद्भुत बातों को पता नहीं, मैं उतनी ही आपको भी प्रयास करने होंगे।
उन चीजों को ग्रहण करने में ताली दोनों हाथों से ही बचे। मित्रों, खाली हम प्रयास करें और आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको भी बराबर से प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों से सहमत हैं और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार व्यक्त करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जय मां भद्रकाली कृपा करो, माता रानी की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस मामूली से तुलसीदास का आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य तबाही है। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान यह माता रानी की सेवा कार्य करते हैं उन सब में आपका भी कुछ न कुछ हिस्सा था, हमेशा के लिए बन जाएगा। परिवार के सदस्य बन चुके हैं और आपके ऊपर माता की कृपा, आशीर्वाद और प्रेम पूर्ण आंचल हमेशा के लिए आ जाएगा। एक ही परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना तू सबकी जिम्मेदारी होती है और आप तो माता रानी की तिथि परिवार के सदस्य बने हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, जुलाई का महीना है, यह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा भूल ला सकता है। इसका कारण यह है कि यहां शनि वक्री चल रहे हैं, मंगल भी आपके लिए भारी है, वही शुक्र और बुध दोनों ही आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा सकारात्मक है। जी हां मित्र, शुक्र और बुध दोनों साथ में मिलकर यूपी का निर्माण कर रहे हैं जो कि 7 जुलाई से बनेगी। अब इस युवती से बनता है अति सुंदर राजयोग, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जिस भी जातक के जीवन में यह योग बना है उस जातक को 3 चीजों का लाभ तो हर हालत में प्राप्त हो ही जाता है। पहला यह कि उसे धन कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है, और वह भी अचानक से अवैध धन कैसे प्राप्त होगा, इसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कहीं से आपका रुका हुआ पैसा था, किसी ने उधार ले लिया था, दे नहीं रहा था तो आपका काम भी रुक रहा था, तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा, या फिर आप कहीं पहुंच अधिक प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कहीं निवेश किया और आपको उम्मीद नहीं थी कि यहां से फायदा होगा, लेकिन वहां से अचानक से फायदा आपको हो जाएगा। इसी प्रकार किसी भी माध्यम से आए आपके जीवन में पैसा आएगा ही आएगा। यह मित्रों रास्ता चाहे कोई भी हो, दूसरा तो इस राज्यों के समय जातक के जीवन में कुछ न कुछ संपत्ति, कोई ना कोई चीज है, वह अवश्य खरीदा है। जी हम तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कोई वाहन खरीद सकता है, कोई ऐसी चीज खरीद सकता है जिससे का समाज में रुतबा बढ़ जाता है और उसके जीवन में आराम और आनंद वर्षा। मित्र शुक्र है और शुक्र आपके जीवन में भोग विलास आनंद को शामिल कर देता है। जी हमें तो इस वजह से आप किसी न किसी प्रकार की बड़ी खरीद है इस महीने में अवश्य करेंगे। आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा, कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे आप कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य खरीदेंगे, जिससे कि आपका भविष्य तो सुंदर होगा ही, समाज में भी आप पर हो तो और कद बढ़ेगा और आपको अपने ऊपर गर्व भी महसूस होगा। अब तीसरा शुक्रिया मित्रों, जो विशेष है और सबसे ऊपर है हमारी अनुसार और वैश्विक है, कि आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। यह मित्रों अब यह प्रेम आपको हर तरफ से प्राप्त होगा, जैसे कि जीवन साथी से प्रेम मिलेगा। जी हमें तो यदि आप किसी के साथ प्रेम बंधन में बंधे हैं तो आपको अपने प्रेमी से और पूर्व सुख प्राप्त होगा, प्रेम मिलेगा। इसी प्रकार आप अपने परिवार जनों से प्रेम और मानसी मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज के लिए आप अब तक तड़प रहे थे कि आपको अभी तक सच्चा प्रेम नहीं मिला था, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था और जो सुन भी लेते थे वह समझ नहीं पाते थे आपके दिल को और आपके मन को, लेकिन अब इस महीने में एकदम उल्टा होगा। लोग अचानक से आपकी प्रवाह करना शुरू कर देंगे, जो आपसे जरा सा भी प्रेम करते हैं अधिक प्रेम करने लगेंगे। जिया मित्रों यह शुक्र का प्रभाव होगा, खास तौर से जीवन साथी और प्रेमियों के बीच संबंध बहुत अधिक गहरा, मजबूत और बहुत मीठा हो जाएगा। आपको जीवन जीने का आनंद प्राप्त होने लगेगा। बस ये 3 बड़े शौक हैं जो आप इस महीने में हर हालत में प्राप्त होंगे, लेकिन इसके पीछे भी कुछ करते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने अगर कर दिए, यानी कुछ गलतियां हैं जो आपने कर दी
तो सारी काम में रुकावट आ जाएगी। हर बात जो हमने अभी तक बताई है वह गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि मित्रों सब कुछ आपके ऊपर ही है। ग्रह नक्षत्र अवश्य आपको देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप जब लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो फिर कोई आपको कैसे देगा। मानकर चलिए कि किसी ने कहा कि आपको एक गिलास भर के पानी दे देते हैं, गिलास लेकर आओ, और आप गिलास लेकर जाते हैं, लेकिन आपने गिलास उल्टा करके उसके सामने कर दिया तो उसने तो पानी डाल दिया, लेकिन क्या पानी आपके गिलास में आया नहीं, क्योंकि आपने बर्तन उल्टा कर रखा है। अब यह आपकी गलती है और इसकी कीमत आप दिखाएंगे। आपको बिना पानी के रहना होगा। ठीक इसी प्रकार का ग्रह नक्षत्र भी आपको देने के लिए तैयार होते हैं, भगवान भी आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गलती कर जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने बर्तन उल्टा कर दिया है। अब कोई कितना भी आपको दे देते, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ही कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। इस जुलाई के महीने में ईद के बारे में भी आप जान लो। मित्रों, हम छुपाते आपको बता रहे हैं, वह पूर्ण रूप से आपकी कुंडली के आधार पर ही है। आपकी ग्रहों की चाल और संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपको बता रहे हैं। फिर हम आगे आपको उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में भी बताएंगे। लेकिन मित्रों, याद रखना कि हर एक वस्तु का, हर एक व्यवस्था का सही संतुलन बनाना पड़ता है। खाली एक चीज के प्रयोग कर लेने से बाद में आप सारी गलतियां करते रहें और एक चीज अच्छी आप लेकर घूमते रहे तो उसका लाभ आपको पूरा प्राप्त नहीं होगा। हर तरफ से आपको मजबूत उपाय करने होंगे, कोई भी गलती नहीं करनी होगी, तब आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपने माथे पर तिलक लगा रखा है, हाथ में और गले में रुद्राक्ष पहन रखा है और आप जाकर शराब पीने लगते हैं, तो क्या शराब पीने वाले व्यक्ति को भगवान की कृपा यानी रुद्राक्ष का सकारात्मक फल माथे पर तिलक और प्रभु के नाम की कृपा से प्राप्त होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोहोगी तो उसने गलती कर दी, गलत कार्य कर दिया। तो बस कार्यों का बहुत अधिक महत्व होता है, तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी है वह गलतियां जो आपको नहीं करनी है, वरना यह लक्ष्मी नारायण योगी आपको कुछ नहीं दे पाएगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली गलती है कि अपनी धन लक्ष्मी का और अपनी भाग्य लक्ष्मी का अपमान कर देना। यह मित्रों, अब धन लक्ष्मी कौन है और भाग्य लक्ष्मी कौन है, दोनों को आप समझिए। धन लक्ष्मी आपकी जेब में, आपके घर में, आपकी तिजोरी, रात के बैंक बैलेंस में रखा हुआ पैसा है। आप अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जहां बहुत अधिक जरूरत है केवल वहीं पर पैसा खर्चा करेंगे। पैसा यानी लक्ष्मी और लक्ष्मी माता क्या कहती हैं कि हम तुम्हारे जीवन को सरल बनाने आए हैं, ना कि तुम्हारी आदतों को बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो आपको क्या करना है कि पैसे का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है। गलती से भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है, दिखा भी बाजी में खर्चा नहीं करना है। ये सबसे पहली सर। अब बात करते हैं आपकी भाग्य लक्ष्मी की। जहां मित्रों, भाग्य लक्ष्मी कौन है? भाग्य लक्ष्मी है आपके घर में मौजूद स्त्री या मित्रों, अब वह आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी मां हो सकती है। याद रखें कि स्त्री हमारी हिंदू धर्म में बहुत पवित्र होती हैं। इन्हें लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए तो हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं। उनके पैर भी छोटे हैं, इन्हें मातृ शक्ति का दर्जा प्राप्त होता है। तो यह आपकी भाग्य लक्ष्मी है। अब आपके घर में मौजूद जो महिलाएं हैं, आप उनसे क्रोध से बात नहीं करनी है, उनका अपमान नहीं करना है, उनके दिल खोल नहीं तो खाना है। यह मैं छोटे मानकर चलिए कि आपकी मां है और आपकी मां आपसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन आपने उनसे इतनी कटु शब्द कहे, कोई ऐसी बात कह दी जो उन्हें बहुत अधिक चुभ गई, तो वह अपने मन से आपके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। अपने मुख से तो कभी गलत निकाल ही नहीं सकती, क्योंकि मां तो मां होती हैं, लेकिन उनका जो दिल दुखी का, जो उनकी अंतरात्मा को कष्ट पहुंचेगा, वह तो भगवान देख रहे हैं ना। तो वहीं से आपके दो भाग्य का निर्माण हो जाएगा। मित्रों, इसी प्रकार आपकी पत्नी है जो आपके लिए ही जीती और मरती है। याद रखें कि आदमी के लिए सारा संसार होता है, लेकिन औरत के लिए उसका आदमी ही उसका संसार होता है। तो जो आपकी पत्नी जी हैं, धर्म पत्नी है, आपकी भाग्य लक्ष्मी है। आप उनका भूल कर भी अपमान नहीं करना है। अब हो सकता है कि वह आपसे चिढ़ जाएं, इसी बात को लेकर आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके लिए कुछ अनर्गल शब्द भी कह दें, लेकिन आप उस सब चीजों को इग्नोर करना है, उन्हें माफ कर देना है और उनसे प्रेमपूर्ण बर्ताव ही करना है।
तो बस यदि आप यह करने में कामयाब हो जाते हैं, निश्चित तौर पर आपको नारायण लक्ष्मी योग का पूरा लाभ प्राप्त तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ प्रिय बंधुओं, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ भी करना ही है। जी, हम तो सुबह जब आप सोकर जागे, स्नानादि करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें, क्योंकि इससे होगा ये किस शनि वक्री चाल चल रहे हैं और मंगल जो भारी हैं, तो दोनों ही हनुमान जी के अधीन ग्रह हैं, तो दोनों ही ग्रहों का जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वह आपके ऊपर ना के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी अगर आपके ऊपर कृपा करेंगे, ये दोनों ग्रह, क्या कोई भी ग्रह आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसीलिए हनुमान चालीसा आपके लिए सबसे सिद्ध उपाय है। कम से कम इस जुलाई के पूरे महीने तो है ही, तो आपको यह कार्य भी अवश्य करना है। इससे शनि और मंगल आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं देंगे और शुक्र और बुध की युति और लक्ष्मी नारायण जोक आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। और हम आपको लिख कर देते हैं कि 7 जुलाई के बाद आपका जीवन और आपका भाग्य दोनों ही बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। जी हां, पर यह बंद हो तो यह तो थी आप हो की चाल, और उसके अनुसार आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इनका पूरा लाभ लेने के लिए इससे संबंधित जानकारी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उस एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में जिसे आपको इस पूरी जुलाई के महीने में अपनी जेब में रखकर ही घर से बाहर निकलना है, तो अब ध्यान से सुने। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे। अब वहां पर आपको कुछ सामग्री है जो पहले से ही तैयार करके ले जानी होगी, और यह कार्य जो मंदिर में जाने का है, इसे आप रात्रि के समय करें, यानी कि 9 बजे के आसपास, जबकि मंदिर में शांति रहती है, उस समय आप इससे कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि मंगल वार के दिन ही बाजार जाना है और भोजपत्र और अष्टगंध की स्याही लेकर आना है, साथ ही अनार की कलम भी लेकर आनी है। सब कुछ आपको बाजार में मिल जाएगा। उसके बाद आपको हनुमान यंत्र का निर्माण करना है। जी हां मित्रों, कुछ ही भोजपत्र पर आपको हनुमान यंत्र का निर्माण करना है। वैसे तो इंटरनेट पर आपको हनुमान यंत्र अच्छी तरह से मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी तस्वीर दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ठीक ऐसा ही हनुमान यंत्र का आप निर्माण करेंगे। जी, हमें तो उस भोजपत्र पर हनुमान यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको पवित्रता का पूरा ख्याल रखना होगा। तो आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं, घर के पूजा घर में या पूजा की अलमारी के पास बैठ जाएं, और बड़े ही पवित्र मन से हनुमान जी को याद करते हुए इसे हनुमान यंत्र डॉक्टर निर्माण करें। उसके बाद आप इसे अपने पूजा घर में रखते हैं। अब रात्रि के समय, जैसे कि हमने आपसे कहा, उस समय आपको यह हनुमान यंत्र और एक लाल रंग का धागा लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अब याद रखना कि मंदिर में आपको पूरी प्रक्रिया करनी है, तो इसमें समय लगेगा। उस समय का ख्याल रखते हुए ही आपको जाना है, तो आपको क्या करना है? अब जान से छड़ी मंदिर में जाने के बाद आपने जो हनुमान यंत्र का निर्माण किया है, उस यंत्र को आपको हनुमान जी के चरणों में रख देना है। सबसे पहला कार्य तो आपको यही करना है। उसके बाद आपको क्या रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब आप जो धागा लेकर गए हैं, उस धागे पर भी आपको ग्यालाए हनुमान जी के नाम से गाने लगा देनी है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप उसमें 11 घंटे लगाएंगे। और अब आप जब एक हनुमान चालीसा पाठ कर ले, तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर उस घाट पर लगा दे। इसी प्रकार क्या रे हनुमान चालीसा का पाठ करते समय क्या क्या रहेगा, तो पर आप हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लगाते चले जाएंगे। इसके बाद आप इस धागे को भी हनुमान जी के पैरों के पास ही रख देंगे, और फिर आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब इसके बाद जो हनुमान जी का यंत्र है, उस यंत्र में एक मंत्र लिखा है। वह हनुमान जी का बेहद ही शक्तिशाली और तांत्रिक मंत्र है। आपको रुद्राक्ष की माला लेनी है, और रुद्राक्ष की माला से 108 यानी एक माला इसी मंत्र का जाप करना है। मंत्र को हम बोल रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको दिखाई देगा, और आप जो हनुमान यंत्र बनाकर बैठे हैं, उस यंत्र में भी यह मंत्र लिखा है, तो ध्यान से सुने। AUM हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। अब आपको यह मंत्र इस प्रकार बोला है कि आपको यह सुनाई दे दी। हमें तो बिल्कुल मन ही मन में नहीं बोलना है, मानसिक जाप नहीं है,
उपांशु नहीं है, ये मौखिक जाप है, तो आपको यह मात्र सुन देना चाहिए। AUM हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं, फट इस तरह से आपको बोला है। आप एक माला इसका जाप करेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी से निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे आसपास एक विशेष रक्षा कवच बनाइए, हमें आपकी प्रेम और आशीर्वाद की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी सकारात्मक ऊर्जा को हमारे आसपास बनाकर रखें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। हनुमान जी आपकी हर बात मानेंगे, कि आपसे प्रेम करने लगेंगे कि आपने उनके लिए यह जो कार्य किया है, इससे भी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद आपको वह दादा उठा लेना है और उसे पुजारी जी के हाथों से अपने दाहिने हाथ पर लपेटना है, या मित्रों, पुजारी जी हो या कोई भी इंसान जो मंदिर में हो, मंदिर के कार्य से जुड़ा हुआ इंसान होना चाहिए, उसी के हाथों से आप इसे अपने हाथ पर बनवा लें और उसके बाद उसे दक्षिणा अवश्य दें। ये मित्रों, बिना दक्षिणा के यह कार्य अधूरा माना जाएगा, तो आप उससे बदला लें और उसके बाद में जो यंत्र आपने, श्री हनुमान यंत्र जो आपने बनाया है, जो हनुमान जी के चरणों में रखा है, उस यंत्र को इस भाव के साथ उठा लें कि अब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हर हालत में रहेगी ही रहेगी। अब आपको कुछ नहीं, सीधे घर वापस आ जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, क्योंकि जब कोई इंसान किसी पवित्र कार्य को करने के बाद अपने घर जाता है, तो उसके पीछे भूत की शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां पड़ जाती हैं, क्योंकि वह उसके पुण्य को, उसके द्वारा किए गए उस विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ के फल को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, सीधे अपने घर आ जाना है, और घर आने के बाद उस यंत्र को आप फिर से अपने पूजा घर में रख दें और चैन से सो जाएं। अब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। अब अगले दिन जब आप अपने काम पर निकले, तो उसे यंत्र को अपनी जेब में रख कर निकले। याद रखें कि उसे आपको अपने शर्ट की जेब में रखना है, या फिर आप उसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि उस यंत्र को आप बूढ़े नहीं, उसे सीधा ही अपनी जेब में रखें। अब जब आप उसे अपनी जेब में रखकर निकलेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। आप खुद ही चौंक जाएंगे, यह आपके साथ हो क्या रहा है। यह विधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई है, तो आप हमसे कमेंट में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। प्रिय बंधुओं, उसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रही है, याद रखेगी माता रानी की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं। तो पूरे प्रेम और भाव से बोलिए, जय माई की जय, माम भद्रकाली माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।